आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसमें आपका स्क्रीन टाइम, स्क्रीन स्पेस सारा सलमान भाई के साथ, तो एक बहुत ही सरियल सी फीलिंग है। काफ़ी इनिशियली मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई का जो ऑरा है इतना बड़ा है, तो आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम सोशली, लेकिन एक पर्सनल स्पेस में मैं कभी नहीं उतर पाया उनके साथ। लेकिन अभी हमने 25 दिन का जो स्केट किया, तो आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट साइड टू हिम। एक बहुत ही ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, बहुत कंसर्न्ड इंडिविजुअल है। वो एक ऐसे इंसान है कि उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहते अंगद ऑलवेज रिमेंबर, जब आप काम कर रहे हो किसी के साथ, आपका काम है कि दे स्टैंड आउट। इफ दे स्टैंड आउट देन यू स्टैंड आउट। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यूजली एक्टर्स देखते हैं कि मेरा काम कैसा है, मेरा क्लोजअप कैसा है, मैं कैसा कर रहा हूँ, बट ही इज़ अ टीम प्लेयर। उन्होंने यही कहा कि हमेशा कोशिश करो कि आपके साथ जो काम कर रहा है वो अगर चमकेगा तो आप भी चमको। तो ये मैं बात कभी नहीं भूलूँ। यू नो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिस तरीके से वो उनके साथ मेरा जो कॉन्वर्सेशन रहा है या जो भी उनको ऑब्जर्व किया है, ही इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। यू नो, सेट को हमेशा एक फैमिली के तरीके से देखते हैं, साथ में सबके साथ बैठकर खाना, सबसे बात करनी, आइडिएट करना अली के साथ, इम्प्रोवाइजेशंस। ही लाइक्स टू शेयर। वो चाहते हैं कि जैसे मेरा किरदार है, मेरा किरदार जो है, हिज नेम इज़ मेजर नमित खन्ना जी, तो जिस वो हमेशा उनके साथ रहता है, और जिस तरीके से वो मेरे बारे में भी सोचते हैं, मेरे किरदार के बारे में ही सोचते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा किरदार है वो उनका किरदार भी है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इट्स अ ग्रेट सिनर्जी टू बी इन सच अ सेटअप।